हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा 2019 में जितनी भी प्रोमिनेंट यानी कि इम्पोर्टेंट स्कीम्स आई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। पहला जो स्कीम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रधानमंत्री वन धन योजना। प्रधानमंत्री वन धन योजना मार्केट लिंक्ड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। मार्केट लिंक्ड मतलब ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके उसको मार्केट से लिंक किया जाएगा। कैसे? सबसे पहले बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो क्लस्टर बनाए जाएंगे। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं, जो काम एक आदमी नहीं कर सकता वो कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं। कम्युनिटी मिलकर बहुत कुछ अचीव कर सकती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इनके क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और इनको फिर ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज में तब्दील किया जाएगा। 27 स्टेट्स के पार्टिसिपेशन से ये लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री वन धन योजना। ट्राइफेड के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। देखो, ट्राइफेड जो है हमारा 1987 में आ गया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राइबल पीपल के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, जो भी वे गुड्स और सर्विसेज कलेक्ट करते हैं तो उनको एक गुड प्राइस प्रोवाइड कराती है। यानी उनकी, आप कह सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है ट्राइफेड। तो ये आपको याद रखना है कि 1987 में आया था और ट्राइफेड ही प्रधानमंत्री वंदन योजना को अप्लाई कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि स्कीम भी इसी तरीके की है। अब माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उनको पहले 23 ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, अब उनको 49 कर दिया गया है। अब मार्केटिंग के लिए बेसिकली मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनका मिल सके। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? देखो, ट्राइबल जो भी गुड्स और सर्विसेज कलेक्ट करते हैं ना, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही होता है। अगर मैं आपको ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊं तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, जैसे कि बैम्बू हो गया, केन्स हो गए, लीव्स हो गई, डाइज हो गई, और कई तरह के नट्स हो गए, वाइल्ड फ्रूट्स हो गए, हनी हो गया है, ये होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब नाम से तो माइनर लगेगा लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि मेजर रिसोर्स होते हैं ये ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि इनकी गुजारा इनसे चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उन लोगों के लिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी इन पर ही निर्भर होती है। और ट्राइबल्स की अगर आप बात करें तो करीब आधी से हल्की सी कम, 40% मान सकते हैं, 40% तक इनकी इनकम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से होती है। और ये मोस्टली ट्राइबल में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने का काम वुमेन भी करती है। तो अगर हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसको अगर बढ़ावा देते हैं, उसको मार्केट से लिंक करते हैं MSP के जरिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए, तो हम वुमेन को भी एम्पावर कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये स्कीम लाई गई, ट्राइबल एम्पावरमेंट अंडर ट्राइफेड। ट्राइफेड जैसा कि मैंने आपको बताया 1987 में आया था। ये ट्राइफेड फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है, ये उसकी तरफ काम करता है, ये और कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करता है, ये जैसे कि न्यू आउटलेट्स। अच्छा, हुए ट्राइफेड के द्वारा कुछ नए इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुए, जैसे कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स का प्रोक्योरमेंट किया, उनको सेल किया, कंट्री वाइड एग्जीबिशन लगा के, शो लगा के, एक्सपोजर करके ई कॉमर्स के जरिए बेचने की कोशिश की गई। जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिसन मेला ऑर्गेनाइज किए गए। तो बेसिकली इनको मार्केट, इनके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट करने की कोशिश की जा रही है और ये काम करता है आपका ट्राइफेड। ट्राइबल हीलर्स और ट्राइबल मेडिसिंस, आपको पता है जो औषधियाँ होती है वन औषधि, उनके लिए भी काम किया गया, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं ना जो कि लोकली अवेलेबल मेडिसिन प्लांट्स के द्वारा हो सकती है और ट्राइबल्स को उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट भी दिया गया है कि आप ट्राइबल हीलर्स और मेडिसिन जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में सर्च करो, देखो और उनकी नॉलेज को प्रोटेक्ट करो। उत्तराखंड में खास करके ये बात की गई। और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये इनको काम दिया गया है। एक चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट वो ये है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि उत्तराखंड में, उसको एक नोडल एजेंसी बनाई गई इन सब चीज़ों के लिए कि ट्राइबल मेडिसिन में जो रिसर्च का काम है सब आप करोगे। और सेंट्रल नॉलेज हब जो है इसको डिज़ाइन किया गया ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड, याद रखना। नेशनल लेवल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, सेटअप किया गया एज ए नॉलेज हब
NTRI नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए ही है, और साथ में जो स्टेट में जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उनको भी हेल्प करेगा। नीति आयोग ने इसको जो है अप्रूवल दे दी है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये मैंने ये मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कि जो इंडियन ट्राइबल रहते हैं एसटी रहते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, एससी नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स भारत में, भारत पूरे भारत में, उनके लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्कीम है, काफ़ी अच्छी स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। 1997 में आ गया था ये, इसमें नाम से पता चल रहा है ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई थी। इम्पोर्टेंस इसकी ये आ जाती है क्योंकि ये जो स्कूल्स बनते हैं स्टेट्स में, इनके लिए ग्रांट हमारा संविधान ही फिक्स, मतलब संविधान में ही लिखा हुआ है कि अब बेसिकली इनको जो ग्रांट्स मिलती है वो संविधान के आर्टिकल 275 क्लोज 1 के अंतर्गत मिलती है। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो ग्रांट्स होती हैं इनको जो मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत मिलती है। तो पॉलिटी में इस आर्टिकल के बारे में क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ वही है कि कोई भी ब्लॉक हो उसमें अगर 50% से ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन हो, या 20,000 एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन्स हो, तो वहाँ पे 2022 तक एक तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तो होगा ही। पैसा 30 लाख ग्रांट यहाँ पे स्कूल बनाने के लिए दिया जाएगा, 30 लाख फिर हर साल एनुअली दिया जाएगा अलग से, एडिशनल जो कॉस्ट आएगी वो राज्य सरकारें भुगतेंगी। अभी तक 2084 EMRS जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं वो सेंक्शन कर दी गई हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं 32, 226 फंक्शनल हो चुकी हैं और 68 उनमें CBSE को एफिलेटेड है। टोटल प्रोग्राम के अंदर मैं बात करूं तो 462 न्यू EMRS बनाने की बात की जा रही है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। एक मैं आपको लास्ट जो चीज़ बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक स्कीम निकाली है डेवलपमेंट ऑफ PVTGs के लिए। PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम में करेगी क्या। इस स्कीम में राज्य सरकारें अपने अपने प्लान सबमिट करेगी कि किस तरीके से कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कर सकते हैं इन ट्राइबल ग्रुप्स का। अभी हम पढ़ेंगे ट्राइबल ग्रुप्स ये कौन होते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लो कि 100% ग्रांट इन एड्स अवेलेबल है स्टेट्स को, ठीक है, मतलब सारा पैसा जो है ग्रांट के रूप में जाएगा, केवल प्लान जो है राज्य सरकारें बता देंगी, पैसा उस हिसाब से मिल जाएगा। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी टोटल पॉपुलेशन की 8% है, ट्राइबल ग्रुप में भी अपना एक अलग ही ग्रुप होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। अब बेसिकली इनको फंड भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वल्नरेबल भी ज़्यादा है। ये बात निकल के कहाँ से आई, देखो पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था इनको 1973 में, देवर कमीशन, नाम याद रखेंगे आप, देवर कमीशन के द्वारा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स निकल के आया, कैटेगरी है एक, ठीक है, कि जो ट्राइबल ग्रुप में भी बहुत जो लेस डेवलप्ड है ना, कम लेस डेवलप्ड है, ठीक है, जो काफ़ी वल्नरेबल हैं उनके लिए ये कैटेगरी लाई गई प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। और 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PTG से नाम चेंज करके पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कर दिया है। पचहत्तर में हुआ क्या था कि मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को सेपरेट कैटेगरी मानी गई, तो ये याद रखना आप कि ये इस कैटेगरी पहले ही आ गई थी 1975 में, और 52 ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे, 1953 में ऐसी एडिशनल कैटेगरी आ गई थी, और टोटल 75 जो है PVTGs निकल के आ गई थे। लेकिन PVTGs को 1973 आपको याद रखना है कि प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स सेपरेट कैटेगरी मानी गई थी, ठीक है, लेकिन 2006 में आए थे जब सरकार ने 2006 में आते ही जो PVTGs इनको नाम दे दिया PTG से PVDG, है ना, तो PVTG 75 हैं, 1975 से अब तक PVTG 75 है हमारे पास, टोटल 705 शेड्यूल ट्राइब्स में से
इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपको याद रखना है प्रिलिम्स के लिए। एक तो इस पॉपुलेशन स्मॉल होती हैं, फिजिकली आइसोलेटेड होती हैं, मतलब इनकी ज़्यादा कल्चरल कलेक्शन जो पॉपुलेशन उनसे नहीं होता, रिटन लैंग्वेज की एब्सेंस रहती है, और रिटन लैंग्वेज नहीं होती इनकी कोई, है ना, और सिंपल टेक्नोलॉजी का बहुत आप कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और चेंज की भी स्लोअर रेट है, मतलब वो चेंज भी नहीं होते कि डेवलप हो रहे हैं, कि वो जैसे थे सदियों से वैसे बने रहते हैं, है ना। तो होमोजीनस है, स्मॉल पॉपुलेशन है, फिजिकली आइसोलेटेड है, एब्सेंस है रिटन लैंग्वेज का, सिंपल टेक्नोलॉजी है, स्लोअर रेट है चेंज की। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उड़ीसा में पाए जाते हैं, टोटल 75 हैं, 705 शेड्यूल ट्राइब्स में से। 1973 में देवर्थ कमीशन के द्वारा निकाली गई थी कैटेगरी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, 2006 में पीवीटीजीज इनका नाम चेंज कर दिया था, अब तक आते आते हमने 75 पीवीटीजीज कैटेगरी बना दी है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।